हेलो फैमिली, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फैमिली देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मेरा मन था छत पर आने का आज, तो मैं छत पर आ गई हूँ। और बारिश की वजह से ना 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते, और बारिश अब के इतनी सारी हो रही है कि कुछ ना कुछ कहा नहीं जा रहा है। और देखिए अभी तक बहुत सारे बादल हो रहे हैं, और अब की बारिशों में मैंने गमले में कुछ लगाया भी नहीं था, कुछ पौधे अपने आप हो गए हैं इन्हीं गमलों में जो पिछले साल के थे। और देखिए टंकी मेरी आधी है और आज का पानी का वार है, तो पानी भी देखना पड़ेगा। और देखिए टंकी में पानी आधा है, तो अभी भरना भी बाकी है, अभी टाइम नहीं हुआ इसका आने का, तो मैं इसको देख लिया है, और नहीं तो फिर धोखे में रह जाती। और अभी देखिए नीचे का जो ऐड साइड जितने भी है, मैंने पेड़ पौधे उखाड़ कर रख दिए थे इनके। और यहाँ से देखिए दुकान भी देख लेती हूँ, जब मैं छत पर चढ़ती हूँ ना तो दुकान पर भी मेरा नज़र रहता है, क्योंकि ऊपर से ना दिखता नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ इस वाले झरोके से देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ का नज़ारा भी ऊपर ही हूँ। तो देखिए अभी ना एक पड़ोसियों ने भी लगाया है कुछ अपने पेड़ पौधे, और मैंने भी कुछ, देखिए अब की जो पिछली बारिश हुई थी ना हफ्ते भर पहले, तो उसमें मैंने ये पौधे उखाड़ कर लगा दिए थे, तो ये पौधे अच्छे से जम गए हैं। ये है अरबी के पौधे, अरबी के पत्ते देखो कितने बड़े हो गए, और देखिए इनका ओस की बूंदा देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, देखो वहीं इकट्ठी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है जब पेड़ पौधों पर ऐसे जमती है ना बूंदे बूंदे, तो बहुत ही सुंदर अच्छी लगती हैं। तो मैंने कुछ यही 2-4 पौधे उगाए हैं, और ये देखिए तुलसी के पौधे और एक टमाटर का पौधा है। बहुत छोटे छोटे पौधे थे जो मैंने एक हफ्ते पहले लगाए थे, ये तो हफ्ते भर से पानी बिल्कुल भर गया था इनमें, तो मतलब इनमें मैं खाली कर करके चली जाती थी इनको, तो तब से ये पौधे जम गए हैं, नहीं तो वरना ख़त्म हो जाते ये। और अभी देखिए अभी मतलब आधी छत पर पानी भरा हुआ है। और देखिए एक पड़ोसी का नीचे का गार्डन दिखा देती हूँ, देखो किस तरह से तोरई, लौकी और मतलब बहुत सारे पौधे बेल उगाई हैं इन्होंने, तो अच्छा लगता है। यहाँ हमारे जो यहाँ तक पहुँच चुकी है छत तक, तो 2-4 दिन में बढ़ेगा ना, तो पूरी छत के ऊपर ही आ जाएगा। तो हो गया है फैमिली पूरा दोपहर का टाइम, यहाँ मैं बांध लेती हूँ साड़ी, आज मेरा मन है साड़ी पहनने का। पता है इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम कभी कभी साड़ी पहनते हैं ना इसलिए, और अगर रेगुलर डेली पहने ना साड़ी तो इतना टाइम नहीं लगे, ये इसीलिए टाइम लग रहा है मेरे को साड़ी पहनने में। और देखिए काफ़ी देर वो लग रहा है इसको सेट करने में, और देखिए अब सेट हो गया है जा करके। और अब से आगे मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी साड़ी पहनने की, क्योंकि धीरे धीरे ना आदत सी छूट गई है साड़ियों की, तो मेरे पास रखी भी हैं और कभी यूज नहीं करती, तो वो पुराना भी लगता है पहनने में, तो पुराना डिज़ाइन फैशन, तो बस इसीलिए ना मैं ये जितनी भी रखी है ना धीरे धीरे एक एक करके पहनना स्टार्ट करूँगी अब। और अभी देखिए तैयार होने में तो काफ़ी, और जिस दिन साड़ी पहन ली ना उस दिन अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो माँ, तो बच्चों का यही सवाल रहता है। सर पे लेना मुझे, 12:10 हो गया है, इतनी कितनी भी जल्दी कर लो ना सुबह का काम फिर भी नहीं ख़त्म होता है। तो अब मैं बैठ गए हम दुकान पर, और देखिए आज मैंने बांधी है साड़ी, और साड़ियों का अब टाइम आ गया है क्योंकि ठंडा सा हल्का सा मौसम होने लगा है। देखिए मैंने ऐसे लुक में साड़ी बांधी है ये वाली, और मैं यही लुक आता है मेरे को बांधना, और ये पिन है मेरा, तो मैंने अंदर से नहीं और ये ऐसे करके ना साइड में लगाया है मैंने, ताकि खोलने में दिक्कत ना हो। और ऐसे विधि बांध रही है देखिए पीछे साड़ी मम्मी।
आप कौन हो? मैं लेडी। नहीं, आप कौन हो? मैं एक हाउसवाइफ, जनानी, लेडीज। और आप कौन हो? मैं रचित विधि मितांस की मम्मी।